और देखिए बड़ी बात यह है कि अब बस कुछ ही देर का इंतजार है और वो अलौकिक क्षण अब हमारे सामने होगा जब पूरे मंत्रोच्चारण के साथ में, जब पूरे रीति रिवाज के साथ में हवन यज्ञ शुरू हो जाएगा, पूजन शुरू हो जाएगा, 8:30 से 9 के बीच में सलोन की स्थापना होगी। तो आप जान लीजिए कि आज कितना ऐतिहासिक लगा। और यही नहीं पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की बात देखिए, गौरव की बात देखिए, हमारा वो संसद जो संसद अब तक संसद है और वो एक इतिहास और अब नया वर्तमान, यानी दोनों का समागम आप देखिए कि एक ही जगह पर इतिहास और वर्तमान दोनों की अभिभूति होती है। किस तरह भारतीय राजनीति, भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति में इन तमाम चीजों की विशेषता है, वो भारत को विश्वगुरु कैसे बनाता है, इसकी एक लोक लुभावन छवि है यहाँ। और यहीं से नहीं, यहाँ से एक नई दुनिया, नई इबारत लिखी जाएगी जो ये बताने की साफ कोशिश होगी कि भारत किस तरह लगातार विकसित ही नहीं तमाम मुल्कों के सामने बहुत मजबूती के साथ खड़ा है और लोकतंत्र भारत का कितना मजबूत है। और देखिए उद्घाटन कार्यक्रम कैसे रहेगा वो भी आप देख लीजिए। अनुष्ठान सुबह 9 से 9:30 बजे तक चलेगा। देखिए पहले हवन यज्ञ होगा, फिर अनुष्ठान 9 से 9:30 बजे चलेगा, 8:30 से 9 के बीच में सलोन की स्थापना होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम, उद्घाटन कार्यक्रम, वो भी आपके सामने है कि किस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। 2 चरणों में दरअसल ये कार्यक्रम होगा जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। देखिए कई पंडित पहुंच रहे हैं, विद्वान पहुंच रहे हैं, शंकराचार्य इस दौरान मौजूद रहेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में पूरा रीति रिवाज होगा, यहां सेंगोल की स्थापना होगी और दूसरे चरण में उद्घाटन कार्यक्रम और संबोधन होगा। तो उद्घाटन कार्यक्रम 2 चरणों में होगा, दूसरे चरण की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ में होगी।